Hey guys, welcome or welcome back to my channel Skillvilla and yeah, this is Simran Chaudhary. So welcome back to my channel and I'm really sorry due to some injuries and some health issues. I was not supposed to make the video and upload it. So yeah, video mein thoda sa delay ho gaya. It was supposed to come on Sunday but instead wo Sunday ko nahi aa paya. So I'm really sorry for that. Still, you guys just supported me a lot and share your love on my last video. So yeah, thanks a lot for that. Allah maaf kare, bahut manush lag raha hu, mat karo, rehne do. Rehne do, bahut bure lag raha hu, toba. So basically, aaj ki jo video hone wali hai, this is something related to Rakhi. So yeah, aap sabhi ko pata hai ki it's the month of August and Raksha Bandhan aane wali hai. So happy Rakhi to you all and yeah, let's create some Rakhi. Must apply. सो सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए फेविक्रिल मोल्डेड एंड दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके हमें कुछ सर्कल्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बनाए हैं एंड मैंने एक पेन की हेल्प से इस पे ब्रो लिखा है. सो आप भी यूज़ कर सकते हो कोई भी पेन एंड देन हमें इसे सूखने देना है. टिल देन हम दूसरी तरह की राखी बनाना सीखते हैं. सो यहाँ पर मैंने दो कलर्स के थ्रेड लिए हैं. बेसिकली इसे हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड बोलते हैं, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो एंड कलर्स एज़ यूजल आप पे डिपेंड करते हैं. सो बेसिकली आपको थ्रेड को फिंगर्स पे ऐसे रोल करना है एंड या थिकनेस थोड़ी ऐसी होनी चाहिए एंड देन यहाँ पे हमें इसे बीच में एक नॉट बांध के टाई करना है. सो आई विल कट अ स्मॉल पीस ऑफ थ्रेड एंड उसकी हेल्प से मैं इसमें नॉट बांधूँगी बीच में. सो इफ़ यू कैन डू दिस बाई योर ओन गुड टू गो, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि खुद से बांधना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. देन आपको दोनों तरफ से इसे कट कर लेना है एंड फाइनली इतना करने के बाद आपको इसे स्प्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्ब और इंस्टेड यू कैन यूज़ अ ब्रश. सो यहाँ पे मैंने कॉम्ब की हेल्प से इसे इसके धागे को स्प्रेड करा है. देन मैंने यहाँ पे सेपरेटली इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. सिमिलरली गोज़ टू दी अदर पार्ट, यहाँ पे भी आपको सेक्शंस दो डिवाइड करने हैं. देन अगेन आपको इस पे ब्रश से इसके धागे को स्प्रेड करना है. सो या ये सर्कल सी शेप मिलेगी इसे एंड इट इज़ जस्ट लुकिंग ब्यूटिफुल. सो इसके ऊपर आई एम गोना स्टिक सम स्टोन्स. तो मेरे पास कुछ ये अवेलेबल हैं जो कि मैंने मार्केट से लिया है एंड या आपको भी ये इजीली मार्केट से मिल जाएगा. एंड इवन आपके पास अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक पीस ऑफ फैब्रिक के ऊपर स्टोन्स स्टिक कर सकते हो एंड ये आपको सेम चीज़ बन के मिलेगी. इवन आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने भी करा है बिकॉज. सो आई विल शो यू एन एग्जांपल जो कि मेरे पास है, क्योंकि आप राइट कॉर्नर में देख सकते हो मैंने कुछ राखी ऑलरेडी बनाई है एंड इसे आपको इक्वली चारों तरफ से सारे साइड से सर्कल का शेप देना है एंड फाइनली इसे कट करने के बाद हमें इस राखी का धागा बनाना है. और यहाँ पे आप रिबन्स भी यूज़ कर सकते हो बट हेयर आई एम गोना यूज़ येलो थ्रेड. सो या आपको उसे कट कर लेना है जितना आपको लगे कि आपको नीडेड है एंड मैंने एक यहाँ पे सर्कल कट करा है कार्टून का. सो विद द हेल्प ऑफ ग्लू आई एम गोना स्टिक इट ऑन. So this is it, all you need to do and finally you have your Rakhi. So I hope आप सभी को ये पसंद आई होगी and as I said की I'll show you an example. So यहाँ पर मैंने एक paper पर काफ़ी सारे stones stick करे हैं जो कि मेरे पास पहले से available थे and you can also buy them from the market easily और आप पहले की राखी के भी use कर सकते हो stones. So ये हमारा molded सूख चुका है finally. So I'm gonna color it. For that I am using Dom's poster color. So let it dry and yeah, सूखने के बाद finally ये कुछ इस तरह का दिखेगा. Now I am gonna make some details on this. So for the first one I am gonna use white poster colors and basically I'll write bhai on this and also मैं यहाँ पर एक मूछ बनाऊँगी एंड या लेट्स सी कि ये कैसा टर्न आउट होता है. सो एज यू ऑल कैन सी हेयर आई एम मेकिंग मूछ
बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वाइट कलर आप कुछ दूसरे डिटेल्स भी बना सकते हो एज़ पर योर विश, जैसे कि आप कुछ माइनर डिटेल्स बना सकते हो या फिर आप कुछ कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हो एंड या वंस यू आर डन विद दिस आप इसके बैक में रिबन स्टिक कर देना एंड या यू आर डन विद दिस आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ राखी भी तैयार है. So this is something which is very simple and very easy and I hope you all are loving this as I am loving the process to make these pretty rakhi and yeah, if you are gonna create this just don't forget to tag me there on my Instagram handle and as I said this is it. So finally यहाँ पे मैं इसके पीछे रिबन स्टिक कर रही हूँ. सो मेरे पास ब्लैक एंड वाइट कलर के डॉटेड रिबन्स है. सो आई एम गोना यूज़ दिस. आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग दूसरे रिबन्स भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ इट व्हाट यू ऑल नीड टू डू. सो फाइनली आपके पास सेकंड टाइप ऑफ राखी भी तैयार है एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट आप सभी को ये कैसी लगी. Guys, know the thrill. Like, share, subscribe. So yeah, I hope you all really love some of the jugadu ideas जिससे मैंने राखी बनाए. भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही. मतलब कुछ भी. Yeah, just created by your own and don't forget to tag me there on my Instagram handle which is _skillvilla_. I'll provide the link in the description. And also इस वीडियो की सेकेंड पार्ट आने वाली है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. कीप गोइंग, कीप मुस्कुराना. बाय बाय. खत्म. बाय बाय. टाटा. गुड बाय. गया.